मुरैना में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले के सिविल लाइन थाने में हत्या के आरोप में बंद आरोपी बालकृष्ण जाटव ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। आरोपी ने रात में फांसी लगाई, लेकिन सुबह तक पुलिस को पता नहीं चला। सुबह जब पुलिस को जानकारी लगी तो पुलिस अधीक्षक समेत जिले भर का पुलिस बल सिविल लाइन थाने में पहुंच गया। मृतक आरोपी के परिजन और उसके साथियों का आरोप है कि पुलिस बालकृष्ण को 4 दिन पहले थाने में लेकर आई थी और उसे अवैध रूप से रखकर उसके साथ मारपीट और उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। प्रताड़ना के चलते युवक ने थाने के अंदर फांसी लगा ली। परिजनों का आरोप है कि इस मामले में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए। पूरा मामला यह है कि 3 दिन पहले कुछ लोगों को हमारी गली से भी लड़के को उठा के लाए थे किसी मर्डर इन्वेस्टिगेशन में। जो मर्डर इन्वेस्टिगेशन है जी, हमको आज ही मालूम पड़ा है, जो कि इन्होंने भी SP साहब ने और DI साहब ने बताया है। इससे पहले हमने 3 दिन से कंटिन्यू चक्कर लगा रहा हूँ, सुबह शाम पूछ रहा हूँ कि सर बता दिए किस जुलम किस आरोप पे बच्चे को उठा के लाए हो, क्या मैटर क्या है, तो कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला कि बता देंगे, पहले इनको बुलाओ। उन्होंने हमसे 4 लोगों को बुलवाया, हमने 4 लोगों को हाजिर किया है, जिसमें एक युवराज सिंह है, एक भूरा है और आकाश है, और चौथा अपना जिसकी डेथ हुई है सुनी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये गंगापुर के ग्वालियर के रहने वाले हैं, अम्बेडकर कॉलोनी में किराए से रहते थे। क्या पता पड़ पाया है कैसे मौत हुई, क्या हुआ? मौत अंदर किसी को जान नहीं दे रहे हैं, उसको टॉर्चर किया गया है ऐसा मेरा मानना है। क्या मान? टॉर्चर में आके उन्होंने सुसाइड किया। 3 दिन से हवालात में, ना तो उनको कहीं जेल भेजा गया, बल्कि ये संविधान कानून जी कहता है 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को जेल भेजा जाए। पुलिस का कहना है कि रात को पकड़ा था हमने, पुलिस झूठ बोल रही है। मैं स्वयं उसको 29 तारीख रात को 8 बजे में छोड़ के आया, CCTV कैमरा आप चेक कर सकते हो। क्या मांगे आपकी? मांगे जी कि उसकी मजिस्ट्रेट जाँच की जाए, उसको सरकारी सहायता राशि दी जाए, और तीसरी मांग हमारी यही रहेगी जो भी इसमें दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। मर्डर का एक अपराधी था जिसको पुलिस के द्वारा कल रात को गिरफ्तार किया गया था 10 बजे के आसपास। ग्लानी के कारण उसके द्वारा प्रथम दृष्टा ऐसा लग रहा है आत्महत्या कर ली है, और जो नियमानुसार प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार जुडिशियल मजिस्ट्रेट यहाँ पर आ गए हैं, 2 लोगों की उनकी टीम आई है। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, SDM साहब, तहसीलदार साहब, वो आ गए हैं, FSL के अधिकारी यहाँ मौके पर हैं, और ये प्रोसेस चल रही है। बिल्कुल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और इसके खिलाफ पूर्व के भी 3 से 4 अपराध हैं इस मर्डर के अलावा। ये इसके द्वारा जो है अपना जो गमछा होता है उसके गमछे के टुकड़े को फांसी का फंदा बना करके इसके द्वारा आत्महत्या की। बताया जा रहा है कि कैदी हत्या के आरोप में बंद था। थाने में कैदी के फांसी लगाकर आत्महत्या के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सिविल लाइन थाने में डॉक्टर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम जांच के लिए पहुंची है।